अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 माइक्रोबायोलॉजी अब हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सारा बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने वायरस को प्रॉपर डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोगों ने स्टार्ट कर देना है फंजाई। फंजाई के बारे में हम लोग सारा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। फंजाई को फंजाई भी कहते हैं, फंजी भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन जो सा आपको सूटेबल लगे आप लोगों ने वो बोलना है, ठीक है। फंजाई की हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम्स पढ़े थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई। ये सारे हम लोगों ने 5 किंगडम्स मुख्तलिफ पढ़े थे जिनमें अलग अलग जानदार डाले हुए थे। तो एक किंगडम फंजाई एक अलग से पूरा एक किंगडम, एक अलग से पूरी फैमिली, एक पूरा अलग से ग्रुप है। तो उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करने लगे कि इसके अंदर मशरूम्स वगैरह आएंगे, उन सबको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम लोग पेज से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फंजाई जिसको हम लोग सिंगुलर फंगस भी कहते हैं, अगर एक फंजाई होगा, सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा फंजाई का, तो उसको हम लोग फंगस कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंजाई, ठीक है। इज अ मेंबर ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब जो ये फंजाई है ना, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, मोल्ड, एज वेल एज मोर फैमिली ऑफ मशरूम्स। तो इसके अंदर ये जो किंगडम है, किंगडम फंजाई, जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, इनके अंदर यीस्ट आ सकता है, मोल्ड आ सकता है, और मशरूम्स की काफ़ी फैमिलीज आ सकती हैं। मशरूम्स की भी आगे टाइप्स होती हैं, कौन से मशरूम, कैसे मशरूम, ठीक है, और भी आगे टाइप्स होती हैं मशरूम्स की। तो समझ आ गई है ना कि एक अलग किंगडम है फंजाई। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू नजर आते हैं, और इसके अंदर और भी ग्रुप्स आते हैं, कौन कौन से, यीस्ट, मोल्ड, मशरूम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। आगे इसकी हम जनरल नॉलेज की थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ओनली अबाउट 200 ऑफ द 1000 ऑफ स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ह्यूमन पैथोजेंस। वो कहते हैं कि हज़ारों स्पीशीज़ हैं फंजाई की, हज़ारों स्पीशीज़ में सिर्फ और सिर्फ 200 ऐसी फंजाई की स्पीशीज़ हैं जो कि ह्यूमन पैथोजेंस है, जो कि सारी जो 200 की 200 है ना, वो इंसान की जरासीम है, इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं, इंसानों को कोई ना कोई इन्फेक्शन देते हैं। तो वो ह्यूमन पैथोजेंस, हज़ारों में से जो 200 हैं वो ह्यूमन पैथोजेंस हैं फंजाई के, ठीक है। एंड अमंग दीज नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज फ्यूअर देन अ डजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 90% ऑफ ऑल ह्यूमन फंगल इन्फेक्शन। तो उन जो 200 थी, जो हज़ारों में से जो 200 थी, वो तो ह्यूमन पैथोजेंस है ना, उन ह्यूमन पैथोजेंस में से भी जो 12 से कम थी, फ्यूअर देन दी डोजन, 12 से जो सी कम थी, वो 90% जो है ना ह्यूमन की इन फंगल इन्फेक्शन में काम देते हैं, उनके अंदर किरदार अदा करते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई है ना आपको। हज़ार में से जो से होते हैं 200 ऐसे होते हैं जो ह्यूमन पैथोजेंस हैं, जो इंसान को इन्फेक्ट करते हैं, जो उनमें से आगे 12 से कम होते हैं, वो 90% हमारे जिस्म के अंदर फंगल इन्फेक्शन पैदा करते हैं। जैसे कि जैसे आप लोगों को पता हो, एथलीट फूड्स वगैरह, रैशेज और मुंह पे जितने भी पिंपल्स हैं, स्किन की काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फंजाई की वजह से होती हैं। फंजाई माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसके ना सिर्फ और सिर्फ नुकसान है बल्कि इसके फ़ायदे भी, आगे हम लोग फ़ायदे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बीमारियों को डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का इधर पैथोजेंस की बात हो रही है कि इंसानों को कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, किस किस पैथोजेन से क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। सम नॉन पैथोजेनिक फंजाई हैव यूजफुल एडवांटेजेस फॉर ह्यूमन बींग दैट आर लिस्टेड बिलो। तो काफ़ी ज़्यादा फंजाई ऐसी भी हैं जो इंसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हम लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जो नॉन पैथोजेनिक है, जो डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं ह्यूमन्स के अंदर, लिविंग के अंदर कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, नॉन पैथोजेनिक है, उनके बहुत ज़्यादा, उन फंजाई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ने लगे एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ फंजाई, ठीक है। वन बाय वन हम लोग सारे एडवांटेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके फंजाई के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा है द ह्यूमन यूज़ ऑफ फंजाई फॉर फूड प्रिपरेशन और प्रिजर्वेशन एंड अदर पर्पसेस इज एक्सटेंसिव एंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। इंसान जो उनसे हैं खुराक को बनाने के लिए और खुराक को महफूज करने के लिए फंजाई का इस्तेमाल करते हैं, और ये इसका जो ये सारा काम है ये बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा लंबा पुराने ज़मानों से इस्तेमाल होता आ रहा है, हिस्ट्री चलती आ रही है, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को मिसाल दूं कि ब्रेड बनाने के लिए या पिज़्ज़ा की डो जो उनसी होती है, जो उसके पिज़्ज़ा का नीचे वाली जो रोटी होती है, उसको बनाने के लिए हम लोग यीस्ट उसमें डालते हैं 2 चम्मच, जिसकी वजह से वो डो बनती है या पिज़्ज़े बनते हैं या ब्रेड वगैरह बनती है, तो सारी की सारी फंजाई की मदद से होती है। फंजाई की कौन सी टाइप, फंजाई के अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, यीस्ट, मोल्ड और मशरूम्स वगैरह, तो जो फंजाई की एक टाइप है ना यीस्ट, उसकी मदद से हम लोग खुराक बनाते भी हैं, जैसे हम लोग ब्रेड बनाते हैं, पिज़्ज़ा की डो वगैरह बनाते हैं। तो समझ आ गई है ना कि फंजाई की मदद से हम लोग चीज़ें बना भी सकते हैं और उनको महफूज भी कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज हम लोग पढ़ते हैं, फंजाई आर यूज एक्सटेंसिवली टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक
लाइक सिट्रिक ग्लूकोनिक लैक्टिक एंड मैलिक एसिड्स एंड इंडस्ट्रियल एंजाइम्स सच एज लाइपेसिस। एक तो ये खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा फंजाई इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्री के केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से एसिड? लैक्टिक एसिड बनाने के लिए, मैलिक एसिड बनाने के लिए, दूध के जो से एसिड होते हैं, फ्रूट्स के जो से एसिड होते हैं, उन सबको बनाने के लिए फंजाई इस्तेमाल होते हैं। फंजाई की बहुत सी टाइप्स इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंजाइम्स बनाता है, जैसे कि लाइपेसिस कौन बनाता है? फंजाई की मदद से बनते हैं, फंजाई की किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से बनता है। लाइपेस क्या करता है? लिपिड को तोड़ता है ना, तो ये जो एंजाइम बनाने के लिए फंजाई इस्तेमाल हुई है, फंजाई का कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हुआ है। थर्ड एडवांटेज हम लोग पढ़ते हैं, मशरूम फार्मिंग एंड मशरूम गैदरिंग आर लार्ज इंडस्ट्रीज इन मेनी कंट्रीज। बहुत से ममालिक में मशरूम फार्मिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाई गई है, जहाँ पर मशरूम्स प्रॉपर तौर पर उगाए जाते हैं हज़ारों की तादाद में। इसके अलावा मशरूम्स को गैदर किया जाता है, मशरूम्स को इकट्ठा किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि फंजाई की एक काइंड, फंजाई की एक स्पीशी मशरूम, उसको इतनी ज़्यादा अहमियत है कि कई ममालिक में उसको उगाया जा रहा है, ख़ासतौर पर उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उससे दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, उससे खुराक बनाई जा रही है। तो समझ आ रही है ना कि फंजाई का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर फोर्थ एडवांटेज हम लोग पढ़ते हैं, सर्टेन मशरूम्स एंजॉय यूसेज एज थेरापीटिक्स इन फोल्क मेडिसन सच एज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसन। अब बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो उनसे मशरूम्स हैं ना, वो थेरापीटिक्स बनाने के तौर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मतलब मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज के लिए जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनमें काफ़ी ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो कि फंजाई के किसी स्पीशी की मदद से वो बनाई जाती हैं, उनसे फ़ायदा हासिल किया जाता है। और चाइनीज़ ख़ास तौर पर ये दवाई मशरूम्स की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल वर्ड ट्रेडिशनल चाइनीज़ का वर्ड आया हुआ है कि चाइनीज़ में मशरूम्स की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। मैनी स्पीशीज़ प्रोड्यूस मेटाबोलाइट्स दैट आर मेजर सोर्सेज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, ठीक है। अब जो फंजाई की कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं, कुछ ऐसी काइंड्स भी हैं, वो क्या करती हैं? वो मेटाबोलाइट्स बनाती हैं जो ड्रग्स को एक्टिव करते हैं। जितने भी फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स हैं, जितनी भी दवाइयाँ आप लोगों की क्लिनिक में पड़ी होती हैं, उनको एक्टिव करने के लिए, उनको काम में लाने के लिए मेटाबोलाइट्स बनाती हैं फंजाई की कुछ स्पीशीज। मेटाबोलाइट्स वो जो मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से मेटाबॉलिज्म होता है, जो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन में काम करते हैं, उन मेटाबोलाइट्स को बना के हम लोग अपनी जो क्लिनिक्स की ड्रग्स हैं उनको एक्टिव करते हैं, उनको काम में लाते हैं। तो समझ आ गई है ना कि जब मेटाबोलाइट्स ही नहीं बनाएगी फंजाई की कोई काइंड या फंजाई की कोई स्पीशी, तो वो ड्रग्स एक्टिव ही नहीं होंगे, और वो हमारी कोई ना कोई जो उनसी बीमारी के लिए हम लोग वो ड्रग ले रहे हैं उससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज हम लोग पढ़ते हैं, बेकर्स यीस्ट और सम यूनिसेलुलर फंगस इज यूज टू मेक ब्रेड एंड अदर वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स सच एज पिज्ज़ा डो एंड डम्पलिंग्स। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, बेकरी आइटम्स के लिए भी यीस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ऊपर तो हम लोगों ने फंजाई वगैरह की बात की है, यीस्ट वगैरह की बात की है, अब हम लोग बात करें यीस्ट की। यीस्ट की ये बात करें कि जो बेकरी आइटम जितने भी हैं हमारे, मोस्टली वो जो है यीस्ट की मदद से बनाए जाते हैं। जितनी भी पैटीज हैं, जितनी पिज्ज़ा डोज हैं, जितने भी ब्रेड्स वगैरह हैं, वीट वगैरह, ये सारा कुछ सारा ये यीस्ट उसमें डाली जाती है, तब जाके ये चीज़ें बनती हैं। तो इसका मतलब ये कि यीस्ट जो है फंजाई की स्पीशी है, तो फंजाई इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है, बहुत ज़्यादा यूज होती है फंजाई इस लिहाज से, ठीक है। इन एग्रीकल्चर फंजाई मे बी यूजफुल इफ दे एक्टिवली कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस फॉर पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब एग्रीकल्चर में क्या इसका फ़ायदा है? एग्रीकल्चर में ये फ़ायदा है कि जब फंजाई को एग्रीकल्चर में डाल दिया जाए, खेतों में डाल दिया जाए, तो उन खेतों के अंदर जो पहले से ही पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है, जो उन फसलों के अंदर बीमारी की वजह बन रहे हैं, अगर उनके ये न्यूट्रिएंट्स खा दें, फंजाई वगैरह उनकी जगह ले लें, उनके न्यूट्रिएंट्स खा दें, तो इस तरह से वो गंदम को बचा सकते हैं उन जरासीम से, जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म उन गंदम वगैरह के अंदर, अगर हम उसके अंदर फंजाई डाल दें तो वो उन पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के न्यूट्रिएंट्स भी खा लेंगे, उनकी जगह भी ले लेंगे। इस तरह जो खादें और गंदम वगैरह ना, इन चीज़ों से, इन माइक्रोऑर्गेनिज्म से महफूज रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे नेक्स्ट वाला एडवांटेज पढ़ते हैं कि सिविरल फंडामेंटल एंड डिस्कवरीज इन बायोलॉजी वर मेड बाई रिसर्च यूजिंग फंजाई एज मॉडल ऑर्गेनिज्म, डैट इज फंजाई डेट ग्रो एंड सेक्सली रिप्रोड्यूस रैपिडली इन दी लेबॉरेटरी। अब बायोलॉजी में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी स्पेशल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के ऊपर जितने भी स्टडी करते हैं, वो फंजाई को एक मॉडल के तौर पर लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो है मॉडल के तौर पर लेते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके एडवांटेजेस निकालते हैं कि इससे हम और क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो किंगडम फंजाई की अभी भी डिस्कवरीज हैं, जितनी भी स्टडीज़ हैं, वो अभी कंटिन्यूज हैं, अभी
इसके फवायद और ढूंढे जा रहे हैं कि इनसे और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, और हमेशा उसी मॉडल की, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है जो स्पीड से ग्रो हो और जिसकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की रेट जो है ना वो बहुत अच्छी हो। तो आप लोगों को एडवांटेज की समझ आ गई है फंजाई की प्रॉपर। तो आज का लेक्चर इतना ही है, समझ ना आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।